हमें लाए दे लटकन वैसे तो दो साल ही लॉकडाउन लग जाते है। अब की बार ने भगवान की मेहरबानी रही तो लॉकडाउन नहीं लगा। उपा जी सही बात है, वैसे तो दो साल में लॉकडाउन लग जाते, अब की बार भगवान की मेहरबानी है तो लॉकडाउन नहीं लगो। भैया जी अब बताओ भूसा बेच दे सर्दियन में बेल का खावेंगे, वैसे तो महंगाई की कमी ना आए, महंगाई बहुत है और कमाई कम है, महंगाई ज्यादा कमाई कम, तो गुजर कैसे भैया? एक बात कहें हम सुनो, भूसा बिके जाएगो बोरी पेल क्या खाएंगे, पेल क्या खाएंगे धनिया खाएंगे बे। सुनो सुनो बैल बेच दे, बेच दे तो जब बैल बेच दे फिर जब सोचो खेती कैसे कैसे होगी, कैसे हुई एक ट्रैक्टर से डीजल पे बहुत महंगा आई है, डीजल पे बहुत महंगा आई है, अबे तो फिर तो एगो 98 रुपया एगो तो 2 रुपया कम होएगो 96 रहेगो, 96 रुपया जन कर के पैसा है ऐसो है, 2-4 रुपया कम 100 रुपया तो डीजल ही है। अब तुम सोचो मतलब गुजरना है ट्रैक्टर से। सुनो बैल बिकी जाएंगे बोरी खेती कैसे होएगी, खेती कैसे होएगी धनिया खेती कैसे होएगी, बोलो सुनो खेती बिकाओ कोई लाए दे लटकने, अच्छा खेती बिकाओ कोई लाए दे लटकने, काए खेती बेच दे, बेच दे धान गेहूं मक्का बाजरा आलू जितनी फसलें सब खेती में होती हैं, होती हैं भैया जी। लॉकडाउन लग गओ सब लोग दुखी हो गए थे, लेकिन सबसे सुखी देखी जाए तो खेती वाले रहे, सही बात है बताओ सही है या गलत है? देखा जाए तो किसान लोग बहुत सुखी रहे भाई, खाने पीने की कमी नहीं है। अब जो इंसान बाहर बिजनेस करता है तो बिजनेस वाला बहुत दुखी हो गया। सुनो खेती बेच रही ना तो सबसे बड़ी चिंता जा है कि तुम खाओ का और बाली बच्चा का खावेंगे। सुनो खेती बिक जाएगी बोरी तुम क्या खाओगी, तुम क्या खाओगी बोरी बच्चे क्या खाएंगे, क्या खाओगी तुम का खाए वाली बच्चा? सुनो बताओ बच्चे बिकाओ मोई लाई दे लटक, अच्छा बच्चे बिकाओ मोई लाई दे लटक, हाय वाली बच्चों बेच दे तो मैंने मेला में पले फलाई देख ले, देख ले तुमने देख ले पहले कहा थी पले फलाई दे कई कहा के सुनो बच्चे बिक जाएंगे धनिया हमारो का होएगो, हमारो का होएगो बोरी तुमरो क्या हो जाएगो, बोलो देखो जी लटकन से गुजरना है
बंसी वाले की कृपा से दाल रोटी मिल गए और जाई से ऐसे ही आराम से जिंदगी कट जाए, क्या करना है, ताशे आराम से घर में रहो, बोलो।